कहते हैं प्यार में सब जायज़ है, लेकिन जो ये कहते हैं वो ये नहीं बताते कि प्यार में किसी की ज़िंदगी लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के प्यार की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जो लगातार 8 साल बैडमिंटन का चैंपियन रहा, और 9वीं बार जब वो जीत नहीं पाया तो उसका कुछ ही वक्त बाद कत्ल कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ त्रिभुवन शर्मा और आपका स्वागत है समाचार लाइव के सेगमेंट क्राइम सीन में। आज हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो शख्स बैडमिंटन का बहुत बड़ा प्लेयर था। इनका नाम था सैयद मोदी। पेशे से बैडमिंटन के बड़े अच्छे प्लेयर थे और साल 1980 से 1987 के बीच लगातार हर साल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतते रहे। इनका नाम उस वक्त चर्चा में आया जब इन्होंने साल 1982 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत हासिल की। सैयद को साल 1981 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन साल 1988 में उनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका असर उनके खेल पर पड़ा। वो साल 1988 की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हार गए। पुरानी खबरों की कटिंग बताती है कि सैयद मोदी की पत्नी के अफेयर की खबर ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। सैयद मोदी चैंपियनशिप हार गए थे तो दूसरी ओर उनकी जिंदगी मानो ठहर गई थी। साल 1978 में सैयद मोदी चाइना जा रही टीम का हिस्सा बनते हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक बैडमिंटन प्लेयर से होती है जिसका नाम होता है अमिता कुलकर्णी। सैयद मोदी और अमिता के बीच दोस्ती हो जाती है, और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज जो उनके बीच हमेशा बनी रहती है वो होती है एक दूसरे के खेल से जेलस महसूस करना। इतना ही नहीं, एक दूसरे के खेल में कमी निकालने के कारण कई बार उनके बीच झगड़ा भी हो जाता है, जिस कारण उनके परिवार वाले उनकी शादी करने को मना भी करते हैं। लेकिन ये दोनों उस वक्त नहीं मानते और रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर शादी कर लेते हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक चल रहा था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया दोनों के बीच समझ कम होती चली गई। सीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच धर्म को लेकर भी विवाद रहता था, और सबसे खास बात, दोनों के बीच तीसरे व्यक्ति का दखल सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन गया था, जो आखिरी में सैयद मोदी की मौत पर जाकर खत्म हुआ। वो तीसरा आदमी कौन था उसे भी आपको बताते हैं। शादी के बाद कई नासमझियों के अलावा संजय सिंह नाम के शख्स की एंट्री होती है। संजय सिंह को आप यूं जान सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त और क्लासमेट होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी जीत चुके थे। सैयद अमिता और संजय सिंह की नजदीकियों की वजह से परेशान रहने लगे थे। जब अमिता घर पे नहीं होती थी तो कई बार वो अमिता की पर्सनल डायरी भी पढ़ते थे। अमिता को जब इस बात का पता चलता है तो अमिता इस बात से नाराज होकर जानबूझकर उसमें सैयद के साथ के संबंधों पर बुरा भी लिखती थी, और संजय सिंह के साथ अपने संबंधों की भी जानकारी लिखती थी। यह जानकारी तब सामने आई जब पुलिस को वह डायरी हाथ लगी। अमिता को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने बताया कि वो जानबूझकर यह सब लिखती थी ताकि सैयद परेशान रहें। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं डायरी इसलिए लिखूं कि सीबीआई मेरे खिलाफ मजबूत केस बना सके। सीबीआई के अनुसार अमिता जब प्रेग्नेंट हुई तो सैयद उस वक्त खुलकर अमिता का विरोध करने लगे थे। वो मानते थे कि वह बच्चा उनका नहीं है और वह सिंह के साथ अफेयर होने की वजह से प्रेग्नेंट हुई हैं। इस झगड़े के बाद अमिता अपने माँ बाप के पास चली जाती हैं, जहां मई 1988 में उनकी बेटी आकांक्षा का जन्म होता है। बेटी के जन्म के 2 महीने बाद यानी 28 जुलाई 1988 के दिन सैयद मोदी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह तब होता है जब सैयद लखनऊ के केडी सिंह बैडमिंटन स्टेडियम से प्रैक्टिस करके बाहर आ रहे थे। सैयद दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण की तरह ही मशहूर थे। यह मर्डर दुनिया के अखबारों में सुर्खियां बन गया था। सीबीआई ने सैयद मोदी के मर्डर केस में उनकी पत्नी अमिता और अमिता के दोस्त संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि कुछ ही समय बाद संजय सिंह और अमिता के ऊपर से केस ड्रॉप कर दिया गया और बाद में वो दोनों बरी हो गए।
इस मामले में कई और लोगों को भी पकड़ा गया था, जिसमें दो आरोपी कानून के फैसले से पहले ही मर गए। मामला ठंडा पड़ने के बाद अमिता ने संजय सिंह के साथ शादी की और संजय सिंह ने अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह को तलाक दे दिया। उस वक्त संजय सिंह और अमिता की शादी अखबारों के फ्रंट पेज की खबर थी। आरोप लगाया जाता है कि उस वक्त की सरकार ने केस में छेड़खानी करते हुए संजय सिंह और अमिता कुलकर्णी को निर्दोष साबित करवा दिया था।